विकेट कीपर और स्टार बल्लेबाज ऋषभ पंत कार में रूप से जख्मी हो के पास ही दुआ करते हैं वैसे देखा जाए तो ये कोई पहले खिलाड़ी नहीं है जो इस तरीके से दुर्घटना में चोटिल हुए हैं और इससे पहले भी ऐसे कई सारे खिलाड़ी सामने आए हैं जो कि भीषण दुर्घटना का शिकार होने के बाद फिर से मैदान पर वापसी करते दिखाई पड़े हैं ऐसी ही दुआ ऋषभ पंत के फैंस और हम उनके लिए करते हैं कि वो जल्द ठीक हों और वापसी करें अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं कि पांच ऐसे वो कौन से खिलाड़ी हैं जो कि भीषण दुर्घटना का शिकार हुए और उसके बाद मैदान पर जोरदार वापसी करते दिखे इस फहरिस्त में सबसे पहला नाम आता है मोहम्मद शमी का सबसे पहले बात मोहम्मद शमी की करेंगे टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की हेड इंजरी हुई आंख के ऊपर चार टांके लगे उसके बावजूद भी उन्होंने जबरदस्त वापसी की आज से चार साल पहले 2018 में टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी एक कार एक्सीडेंट का शिकार हो गए देहरादून से नई दिल्ली जाते वक्त उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हुई उनके सिर में गंभीर चोट आई दाई आंख के ऊपर तीन चार टांके भी लगे वो काफी समय तक मैदान से दूर रहे लेकिन उन्होंने शानदार वापसी की शमी ने साल 2018 में सैतालीस और 2019 में 33 विकेट झटके ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसके होम ग्राउंड पर शानदार प्रदर्शन किया और सीरीज में 16 विकेट लिए इसके साथ पूर्व भारतीय कप्तान मंसूर अली खान पटौदी की जी बीस की उम्र में उन्होंने अपनी आंखें गंवा दी थी और कांच की आंख लगवाई थी और कप्तानी भी की थी मंसूर अली खान पटौदी को भारत के सबसे कामयाब कप्तानों में माना जाता है और उन्हें बेहतरीन बल्लेबाज भी कहा जाता है करियर की शुरुआत में वो एक कार एक्सीडेंट का शिकार हुए और महज 20 साल की उम्र में उन्होंने अपनी एक आंख खो दी एक्सीडेंट में पटौदी ने अपनी दाहिनी आंख गवा दी फिर उन्होंने कांच की आंख लगवाई और खेलना जारी रखा आगे चलकर वो भारतीय टीम के कप्तान बने कैप्टेंसी की उनकी कप्तानी में भारत ने चालीस में से नौ बैच जीते और उन्नीस ड्रॉ खेले उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट 1975 में वेस्टइंडीज के खिलाफ ही खेला था नवाब पटौदी के बाद बात करते हैं वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर खिलाड़ी निकोलस पूरन की ये तो ऐसी वापसी थी जिसने दुनिया भर के क्रिकेटर फैंस को अचरज में डाल दिया एक्सीडेंट में उन्होंने अपने दोनों पैर गंवाए दो ऑपरेशन हुए कई महीनों तक व्हीलचेयर पर रहे और उसके बावजूद भी मैदान पर उनकी वापसी हुई साल 2015 में निकोलस पूरन 19 साल के थे तब के एक सड़क दुर्घटना में उन्होंने अपने टखने और बाएं पैर के घुटने को बहुत ही गंभीर हालत में चोटिल पाया वापसी के लिए उन्हें दो सर्जरी करानी पड़ी कई महीनों तक वो व्हील पर थे चोट से उबरने के बाद पूरन ने कड़ी ट्रेनिंग ली और साल 2016 में सीपीएल से वापसी की उस समय उन्होंने 27.12 की औसत से 217 रन बनाए और आठ पारियों में 18 छक्के जड़े पिछले दिनों आईपीएल 2023 की मिनी नीलामी में पूरन को सनराइजर्स हैदराबाद ने खरीदा है और आप अचंभित हो जाएंगे कि 16 करोड़ रुपए में पूरन को खरीदा गया है वेस्टइंडीज के ही दूसरे खिलाड़ी की बात करते हैं ओशेन थॉमस ये वो खिलाड़ी है जो कि एक्सीडेंट में घायल हुआ और उसकी गाड़ी देखकर अंदाजा नहीं लगाया जा रहा था कि यह बच पाएगा या नहीं लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने जिंदगी की जंग जीती और मैदान पर वापसी की माचिस की डिब्बी की तरह कार पलट गई थी थॉमस की और उसके बावजूद भी वो बाल बाल बचे थे तेज गेंदबाज ओशेन थॉमस एक समय पर वेस्टइंडीज के प्रमुख खिलाड़ियों में से एक रहे थे 2020 में थॉमस में ने कार दुर्घटना झेली उनकी कार कई बार पलटी और उन्हें उस वक्त इतनी चोट नहीं आई थी लेकिन रेस्ट के बाद उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ टी इंटरनेशनल मैचों की सीरीज के लिए वापसी की और थॉमस ने कले में में श्रीलंका के खिलाफ अपने करियर में पहली बार पांच विकेट झटके थे ये वो खिलाड़ी था जिसकी गाड़ी देखकर लोग कह रहे थे कि शायद ही इसमें बैठा चालक बच पाएगा लेकिन उन्होंने मैदान पर जबरदस्त वापसी की अब बात करते हैं अफगानिस्तान के अफसर जाजई की जिन्होंने हादसे के बाद दो टेस्ट खेले अफगानिस्तान विकेटकीपर पर बल्लेबाजी करने वाले अफसर जजाई 2020 में कार एक्सीडेंट का शिकार हो गए उन्हें गंभीर चोटें आई चोट के बाद ने वापसी की और दो टेस्ट खेले ने अपने आखिरी मैच जून 2022 में जिम्बाब्वे के खिलाफ हरारे में खेला था ने 2013 में शारजहा में केनिया के खिलाफ अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था सड़क दुर्घटना में घायल 25 साल के क्रिकेटर ऋषभ पंथ को देखकर अब ऐसा लगता है कि वो भी निश्चित तौर पर वापसी कर पाएंगे हम और उनके तमाम फैंस यही दुआ करते हैं कि ऋषभ पंत जल्दी ठीक हों और मैदान पर वापसी करें फिलहाल मैक्स अस्पताल देहरादून में वो भर्ती हैं मेडिकल बुलेटिन जारी कर दिया गया है जिसमें बताया गया है कि पंत की ब्रेन और स्पाइन की एमआरआई रिपोर्ट नॉर्मल है लेकिन खबर ये भी है कि उन्हें दिल्ली लाया जाएगा और वहां उनका इलाज अलग तरीके से किया जाएगा अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार